वनयुएन की फाइट यहाँ पे, बंदे को देखा और सीधा हेडशॉट चिपका के मारा एनएक्सटी के प्लेयर को। चैलेंज आया, जीता तो सीधा एनजी में, हारा तो सीधा एनएक्सटी से भी बाहर। देखते हैं पे क्या होगा। अरे भाई तीन अभी तक एक भी राउंड नहीं आया इनके हाथों में, और एक बहुत दूर एम बना के हेड मारे। अरे बाप रे बाप लगातार दो वन टैप्स यहाँ पे हो गए इसमें। और अरे भाई क्या हाल है? मेरा तो बढ़िया, और बताओ क्या चल रहा है? अरे बहुत ही बढ़िया, फॉग ही चल रहा है। अच्छा फॉग चल रहा है, फॉग कभी खत्म नहीं होता कि भाई उसमें स्प्रे ज्यादा होता है? हाँ, खत्म नहीं होता रखा हुआ है। और बता। हाँ जीरोक्स ऑनलाइन में इंस्पिरेशन था मुझे, उसे 1v1 करना। जेरोक्स भाई अभी चले गए हैं, ये समझो जेरोक्स भाई थे स्टार्टिंग में, अभी जीव्स भाई और एंट्री मिल जाएंगे आपको। चलो हाँ भाई, सफेद भाई क्या करते हो तुम? मैं हाँ मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? आठवीं में पढ़ते हो तुम? पहले नाम तुम्हारा मुदित था ना? हाँ, फिर उसके पहले जी का नाम चेंज इतने काहे करते हो आप? ऐसे ही मन करता है तो करते रहता हूँ। अच्छा, और यहाँ पे प्रोफाइल की बात करें तो गाइस भाई की 1.61 की KDA, 85 का हेडशॉट रेट है, और इधर 92 का है भाई। मेन एनएक्सटी की गिल्ड में, क्लासी भाई की गिल्ड में अब तक जगह बना के बैठे हो। कैसे तुम्हारी जगह अब तक टिकी हुई है क्लासी भाई की गिल्ड में? किस बेस पे हो तुम क्लासी भाई की? सिंह में तो अच्छा खेला था, और फिर मतलब कि 1v4 भी किया था, तो मैं हर बार सबसे ज्यादा मार। अच्छा मतलब आप 4v4 के अच्छे प्लेयर हो ये कह सकते हैं तो? हाँ। कॉन्फिडेंट सा नहीं लग रहा तुम्हारा यार, दवा सा लग रहा है। मतलब 1v4 के अच्छे प्लेयर हो, फिर 1v1 के, या फिर किस चीज के अच्छे प्लेयर हो आप? मैं 1v1 सबसे तगड़ा खेलता हूँ, 1v4 मतलब अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। अच्छा, और 4v4 मतलब 1v1 नॉस्टा भाई ने मुझे ना पता ही था कि प्रैंक ही होगा, वरना नॉस्टा भाई खुद गिल्ड टेस्ट ले लेते। तो सफेद भाई वी कॉन्फिडेंट, कहाँ से हो आप? मैं बिहार से। बिहार के छोरे यहाँ पे आए हैं अपना गेम प्ले दिखाने के लिए, एनएक्सटी की गिल्ड से हैं और अपना गेम प्ले दिखाना चाहते हैं 1v1 का। अपन ये 1v1 का गेम प्ले दिखाना चाहते हैं, तो गेम कैसे दिखाओगे, स्पीड से या फिर एक्यूरेसी से? एक्यूरेसी। वन टैप या फिर स्प्रे? वन टैप ही। वन टैप का कौन सी गन चलाना प्रेफर करोगे? मैं तो हो जाओ तैयार, तुम्हारे सामने है एक शिकार जिसका नाम है। अभी तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, 1v1 अपना गेम प्ले दिखाने के लिए या फिर गिल्ड टेस्टिंग के लिए? मतलब किस बेस पर है, मतलब ऐसे 1v1 गेम प्ले दिखाने के लिए, लाइक अपना गेम दिखाना है तुम? अच्छा, या फिर NXT छोड़ के NG? NXT से। अरे भाई साहब, यानी सफर बदलना चाहते हो कहीं ना कहीं? NXT में थोड़ा कम खेलता मतलब प्लेयर सब। तो तुम्हारे सामने हम बुलाएंगे जो भी अवेलेबल है। दोस्त हो जाओ तैयार। मैं एकदम तैयार। इस बार ब्लैक कपड़ों के साथ पूरा, और इधर से एंग्री फुल डिफरेंट एम्बोर्ड कपड़ों में। देखते हैं एंग्री को, अक्सर हम देखते हैं कि अपनी मूवमेंट के साथ और रस मार के सामने वाले बंदे को तहस नहस करते हुए दिखाई देते हैं, फुल हेड हेड हेड। और इधर से बात करें जब रस मारते हैं उसके बाद, सफेद भाई का गेम अभी देखना बाकी है। देखते हैं NXT के प्लेयर हैं, NXT में बोल रहे हैं कि मैं काफी टाइम से हूँ, 1v4 खेल के एंट्री पाई थी, अच्छा खेलते हैं 1v4, और 4v4 भी भाई खेल लेता है अच्छा खासा, 6v6 खेल रहा था, इस बेस पे इसकी एंट्री अब तक गिल्ड में बनी हुई है। पर सामने है एनजी एंग्री, देखते कैसे मैच रह गया है। फाइट 1v1 की, सफेद यहाँ पे काफी अच्छी मूवमेंट के साथ। अरे सफेद की मूवमेंट, अरे भाई सफेद का पिछली बार हमने गेम देखा था उतना खास दिखा नहीं, पर आज मूवमेंट अलग थी। पर हेडशॉट एंग्री का ताबड़तोड़ पहले ही राउंड में, मुश्किल में डाल देंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे NXT सफेद एक्स को, यहाँ प्यारी नहीं है जिंदगी में। चलो देखते हैं गाइस, सफेद बनाओ एंग्री की फाइट, दूसरा ये राउंड क्या पे इस बार गेम दिखा पाएगा। सफेद की मूवमेंट काफी प्यारी दिख रही है। अरे भाई स्विचिंग, अरे 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 भाई PC प्लेयर है के? है तो मोबाइल ही, पर मूवमेंट काफी प्यारी। पर देखते हैं एंग्री कैसे रोकेंगे, रसर गॉड के नाम से हम एंग्री को जानते हैं, पर इधर सफेद एक्स, क्या NXT को सफेद एक्स में किस नाम से जानते हैं आप लोग? जानते हो क्या गए, मतलब कैसा ये गेम दिखाता है लड़का, किसी ने देखा है कभी स्ट्रीम पे? और एक और हेडशॉट एंग्री का, 2-0 यहाँ पे लगातार हो चुका है, क्या कमबैक होने के चांस है यहाँ पे सफेद की तरफ से? सफेद, अरे भैया सफेद यहाँ पे काले होके आए जरूर है पूरा, और रस मारेंगे यहाँ पे एंग्री पे, वुड पीकर हाथों में है और साथ में है 200, सामने है एंजी एंग्री, और सफेद भाई यहाँ पे एंग्री को लाल कर देंगे।
नाम सफेद है, कपड़े काले हैं और हेडशॉट लाल आए हैं। क्या बात है। चलो भाई देखते हैं क्या होगा इस राउंड में। एंग्री भाई का पुश सीधा। अरे भाई दो शॉट चलाइए भारी। सफेद भाई तैयार यहां से। वन वी वन की फाइट और यहाँ पे लगातार ट्राई करेंगे सफेद भाई एंग्री के सामने। वन वी वन की इस फाइट में क्या एंग्री भाई के हेडशॉट्स दिखेंगे हमको। लगातार ट्राई कर रहे हैं पे सामने है सफेद एक्स एनएक्सटी की तरफ से। यहाँ पे हेडशॉट आने वाला है सफेद भाई का एक और। इधर से एंग्री भाई तैयार हाथ में दो शॉट और हेड मारा जरूर है। हील करेंगे सफेद अपने आप को अच्छे तरीके से। मैच काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे 2-1 सफेद दिखा रहे हैं अपना गेम। सफेद क्या करने वाले हैं साउंड में। ग्लूवॉल्स थोड़ी सी ज्यादा लग रही है शायद। वनवीन की फाइट यहाँ पे बंदे को देखा और सीधा हेडशॉट चिपका के मारा है नेक्स्ट के प्लेयर को। सफेद भाई को वापसी करनी पड़ेगी अगर मैच में कुछ करना है तो। काफी प्यारा हेडशॉट यहाँ पे। गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये ग्लूवॉल सफेद क्यों दिख रही है आजकल। चलो भाई देखते हैं क्या होगा। अब नेट तो हटाए क्या दिक्कतें हटेंगी इनसे। क्या होगा इस मैच में। और अरे देखने से पहले ही हो चलो गाइस देखते हैं क्या होने वाला है। फाइट इंटरेस्टिंग हो गई है। 2-6 2-3 के बाद यहां पे मैच में काफी अच्छा मैच हुआ है। 2-3 मैं बोला था। अरे भाई क्या लाल मारा है फेंक के। मैंने बोला था यार एनएक्सटी का प्लेयर है गेम प्ले ना दिखाया ऐसा हो सकता है। दो की हेल्थ क्या सरवाइव करा है दो की हेल्थ पे बंदा सफेद। देखते हैं एंग्री वन आप सफेद की फाइट। 1v1 की काफी अच्छा हेडशॉट मारा है सफेद ने। सफेद को काफी अच्छा हेड मारा है एंग्री ने। देखते हैं क्या होगा। अरे भाई 3-3 मैं बोल रहा था भाई कौन था वो 7-0 वाला चैट में। कौन था वो। मैं था। अब देखो 7-3 7-0 के बाद ये 6-6 जाएगा ऐसा लग रहा है क्या। देखते गाइस यहां पे राउंड है 7वां। एनएक्सटी के प्लेयर यहां पे जरूर है। यहां पे गेम प्ले दिखा पाएंगे एंग्री के सामने। लेट्स सी 1v1 की फाइट एंग्री बनाप सफेद। क्या होगा इस राउंड में। सफेद भाई तैयार है अपने बेहतरीन गेम प्ले के साथ। एंग्री को बीट करना पड़ेगा सफेद भाई को अगर यहां पे टेस्टिंग पार करनी है तो। ये अपना गेम प्ले दिखाना है हम सबको तो। देखते हैं बैट के मारने की कोशिश थी। एंग्री पुश कर रहे हैं। एंग्री को हम रसर किंग के नाम से जानते जरूर हैं पर यहां पे सफेद कहीं ना कहीं अपनी डोमिनेशन पावर दिखा रहे हैं। 1v1 यहां पे क्या होगा इस राउंड में। और यहां पे एंग्री लगातार ट्राई कर रहे हैं हेडशॉट के लिए पर सफेद भाई। अरे भैया दे दिया इस बार एंग्री ने। मैच हो रहा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पे। लो भाई स्पेशल गाना फॉर स्पेशल मैच गाइस। सफेद और एंग्री का मैच है। जी हाँ एक तरफ एंग्री और एक तरफ सफेद। लो भैया स्पेशल गाना देखते हैं। भैया आप ग्लू वॉल लगा ले सही है वरना एंग्री हेडशॉट मारती। चल जाए यार। चलो भैया देखते हैं एंग्री बनाप सफेद। ये लो। अरे भाई लो भाई जब से गाना चला है एंग्री ने तो बहुत गंदा मारा है एंग्री। काफी एबनॉर्मल हेडशॉट्स हमको दिखाए इन्होंने इस मैच के अंदर। काफी एबनॉर्मल रस करते हैं। कुछ अलग ही गेमिंग स्टाइल रहती है। कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है इनका एंग्री का। अनप्रेडिक्टेबल रहता है। देखो जून में जाके मारने की चाह। एग्रेसिव रस यहाँ पे। सफेद ने सोचा नहीं होगा ये होगा। अरे एंग्री छत पे चढ़ गई। ये बताओ कौन प्रेडिक्ट करेगा कि ये बंदा छत छत पे चढ़ के मारेगा यार। क्या खेल रहा है एंग्री यहाँ पे। पर देखते हैं संदीप सफेद भाई क्या करेंगे। अरे भाई सफेद भी कमबैक करना चाहेंगे भाई। 3 राउंड लगातार मारे हैं। 3-0 से 3-3 करा अब 6-3 हो गया। क्या फिर 6-6 होने वाला है गाइस। क्या 6-6 होने वाला है। जोन धक्का देगा पीछे से सफेद को। हील करने नहीं देगा। देखते हैं सफेद भाई क्या करेंगे इस राउंड में। और एंग्री आए और हेडशॉट। अरे भाई बताओ के लिए ये शैतान सा बच्चा आया है हमारे ग्रुप में। और एज अब तक बताई नहीं है शैतान के बच्चे ने। अरे अभी भी वॉइस चेंजर लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि वॉइस चेंजर नहीं लगा हुआ। पहले तो ऐसी आ रही थी पूरी बनी वाली। अच्छा वॉइस चेंजर हटाना। देखो वॉइस चेंजर हटा के देखना कैसी आवाज आएगी। हटाना
हेलो 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 हाँ देखो गाइस। देखो ये वॉइस चेंजर हटा के घुमा रहा है, ये बंदा मजे ले रहा है हमसे। तो क्या लगता है अब तुम्हारा गेम कैसा कराया जाए 1v4 का? तुमने कुछ बोला था अभी कि क्या अगर 1v4 नहीं हुआ था तुम क्या करोगे, फेस रिवील? फेस रिवील करोगे। पर मैं कहना चाहूंगा अगर तुम 1v4 नहीं कर पाते हो लाइव स्ट्रीम तो पता है क्या करना पड़ेगा आपको, क्या NXT गिल्ड लीव करनी पड़ेगी, बाद में वैसे ज्वाइन कर लेना। अब बताओ चैलेंज एक्सेप्ट है तो बताओ, वरना आज है माता नहीं। फंस गया लौंडा। लेकिन अगर ये भी है कि अगर मैं जीत गया तो आपको सीधा गिल्ड में लेना पड़ेगा, ये भी आप भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, पक्का 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 1v4 में अगर तुम जीते सीधा गिल्ड में। वो कहावत है ना, दो बिना घर का ना घाट का। चलिए गाइस फिर से फाइट स्टार्ट। और रे भैया दो दो बंदों को लाल, देखते हैं कैसा ये गेम होने वाला है। मुदित, और रे भाई पहला नॉक यहाँ पे देखने को मिलेगा मुदित की तरफ से। मुदित भी चाहते हैं कि मैं एनएक्सटी गिल्ड लीव ना करूं भाई, क्योंकि अगर ये हारे तो एनएक्सटी भी लीव करनी पड़ेगी। 7 दिन तक कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं कर सकते, अभी तक एक भी राउंड नहीं आया इनके हाथों में। और एक बहुत दूर एम बना के एड मारे, और रे बाप रे बाप रे बाप, लगातार 2 1 टैप्स यहाँ पे और काफी ओवर पावर्ड भाई। OMG यहाँ पे कौन सी आत्मा इस बंदे के अंदर आ गई है, पर सामने स्टिंग। अरे भाई आते से 1 टैप देखने को मिलेगा मुझे यहाँ पे, क्या होगा इस मैच में? यहाँ पे 1v3 निकले नहीं निकलेगा, कि इतना दर्द रहेगा किसी के लिए कि बंदा 6-0 हार जाएगा। और चलिए बैक, अब टाइम हो चुका है बंदे को बाहर कराने का गिल्ड से, कि बहुत जी लिए गिल्ड के अंदर। भाई क्या हाल है, गिल्ड अच्छी नहीं लग रही यार, तुम पे NXT लीव करने की बारी आ गई ऐसा लग रहा है। देखियो बटन आ रहा है एग्जिट करने का। अरे क्या बात है भाई, गाइस मुदित ओपी लगा दो, मुदित ने NXT छोड़ दिया इस वक्त। अगले 7 दिन के लिए NXT में अब कदम नहीं रख सकते मुदित भाई, क्योंकि चैलेंज लगा था अगर ये हारेंगे तो NXT इनको लीव करनी पड़ेगी, और इन्होंने अपने चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया है और गिल्ड भी लीव कर दी है।